हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बिगनर्स के 7 बेस्ट प्लांट्स कौन कौन से हैं। हमारी कैटेगरी में जो आता है, सबसे पहले आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और यह प्लांट सेमी शेड का प्लांट है। मनी प्लांट का यह वेरिएंट सबसे कॉमन वेरिएंट है और यह मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसकी लीव्स ग्रीन और येलो कलर की होती हैं और देखने में यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट वेरिएंट जो हमारा है मार्बल क्वीन, इसमें लीव्स की शेड में ग्रीन और वाइट कलर का इफेक्ट होता है और यह प्रिंट बिल्कुल मार्बल की तरह होता है। देखने में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला वेरिएंट है एंजॉय पोथोस। इसकी पत्तियों का साइज थोड़ा छोटा होता है और ये ग्रीन और वाइट कलर की लीव्स होती हैं और इसमें ग्रीन कलर बहुत वाइब्रेंट होता है। मनी प्लांट का एक और ये वेरिएंट है जिसमें लीव्स बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर की हैं, इनमें कोई शेड नहीं है। मनी प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है और इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है और ये हमारे घर की एयर को प्योरीफाई करता है, इसलिए हम इसको अपने घर की एंट्रेंस में यूज़ कर सकते हैं, घर के बेडरूम बालकनीज में यूज़ कर सकते हैं ताकि ये हमारे घर के एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करे। मनी प्लांट को मोस्टिक पे चढ़ाया जा सकता है, मोस्टिक पे ये बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। इसके अलावा इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में लगा के इसको टेरेस पे बालकनी में लगाया जा सकता है। पानी में भी मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो हम पानी में लगा के इसको अपने बेड साइड या स्टडी टेबल की ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो इजीएस्ट कैटेगरी आती है, जो बिजनेस के लिए सबसे आसान है मैनेज करना, वो है सिंगोनिया। सिंगोनिया प्लांट भी ऐसा है जिससे बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। ये सिंगोनियम का ड्वार्फ वेरिएंट है। इसकी हाइट 3 से 4 इंच बढ़ती है और इसको छोटे पॉट में भी यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो वेरिएंट है, इसमें थोड़ी सी ये रेड शेड देख रहे हैं आप, इसकी लीव्स में रेड शेड होती है और जैसे ये प्लांट ग्रो करता जाता है इसके लीव्स का कलर बदलता जाता है। एक ये वेरिएंट है जिसमें कोई शेड नहीं है और ये गहरे हरे रंग की ब्राइट ग्रीन कलर की लीव्स हैं इसकी। नेक्स्ट ये वेरिएंट है, ये सबसे कॉमन वेरिएंट है सिंगोनियम का, जिसमें ये येलो कलर की शेड है। मनी प्लांट की तरह सिंगोनियम भी ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट नहीं है, ये सेमी शेड का पौधा है और इसको भी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। मनी प्लांट की तरह सिंगोनियम को भी गमले में लगाया जा सकता है, गमले में ये बहुत अच्छे से फैलता है। मॉस्टिक पर भी सिंगोनियम बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत खूबसूरत लगता है। सिंगोनियम प्लांट पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो पानी में लगा के हम इसको अपने बेड साइड या स्टडी टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमारी आती है वो है स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट भी रफ एंड टफ प्लांट है और इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। स्नेक प्लांट का ये ड्वार्फ वेरिएंट है, ये बहुत छोटी हाइट का होता है और ये पूरे ग्रीन कलर का है। ड्वार्फ क्वालिटी का अगला वेरिएंट ये है, इसमें येलो शेड है। नेक्स्ट वेरिएंट ये है, इसकी हाइट 10 से 12 इंच तक की होती है और इसमें भी येलो शेड है। स्नेक प्लांट का ये वेरिएंट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट वेरिएंट ये है जो सबसे कॉमन वेरिएंट है, इसकी हाइट 2.5 से 3 फुट तक जाती है। इसमें भी दो क्वालिटीज आती हैं, एक ग्रीन और येलो शेड में और एक क्वालिटी ये है जो पूरा ग्रीन कलर का। नेक्स्ट वेरिएंट मूनशाइन है, इसके पत्तों का रंग थोड़ा हल्का होता है। स्नेक प्लांट एक बहुत हार्डी प्लांट है और ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है और ये हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में से जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो रात के टाइम भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके बाद फोर्थ नंबर हमारा आता है जेट प्लांट का। जेट प्लांट सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको मैजिकल प्लांट भी बोला जाता है। इसको मैजिकल प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हम जो भी शेप देना चाहें हम वो दे सकते हैं। अगर इसको ट्री की शेप में कन्वर्ट करना चाहें वो भी हो सकती है। ये देखिए, मैंने जेट का बॉन्साई बनाया है। जेट प्लांट से हम चाहें तो और भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, जेट प्लांट से टोपियारी बनाई गई है, इसको हम
वर्टिकल गार्डन में या हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। जेट प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद है, बट डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए हमें अवॉइड करनी चाहिए। और इंडोर में अगर हम इसको लंबे टाइम तक रखते हैं तो इसकी पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी और ये इसकी स्टेम रह जाएगी और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये लो वाटरिंग प्लांट है और अगर हम इसको काफ़ी दिनों तक पानी नहीं भी देते तो ये अच्छे से ग्रो करता है। इसको हम हैंगिंग्स में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग्स में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी सेमी शेड का पौधा है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं, बस इसमें वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है। स्पाइडर प्लांट के भी दो वेरिएंट हैं, एक ये आता है पूरे डार्क ग्रीन कलर में, इसकी लीव्स पूरी ग्रीन कलर की होती है, और नेक्स्ट वेरिएंट है जिसमें ग्रीन और येलो का मिक्स शेड आता है। ये भी सेमी शेड का प्लांट है, वैसे ये इंडोर और आउटडोर में दोनों में चल जाता है, पर डायरेक्ट सनलाइट से इसको हमें बचाना है, उससे इसको नुकसान हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पर्पल हार्ट। बिगनर्स के लिए सबसे बढ़िया पौधा ये है, क्योंकि इस ये एक ऐसा प्लांट है इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही इसको ले आइए और ये बढ़ता रहेगा। आप इसको ऊपर से कटिंग करते रहिए और उसको मिट्टी में लगाते रहिए, इसकी न्यू कटिंग्स भी इजीली ग्रो हो जाती हैं। इस प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर दोनों में आराम से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अरेका पाम। अरेका पाम एक ऐसा प्लांट है वो हर प्लांट लवर का फेवरेट प्लांट है, क्योंकि इसको इसके बिना मेरे को लगता है कि हमारी गार्डनिंग अधूरी है। ब्यूटी वाइज ये बेस्ट इंडोर प्लांट है और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, इसलिए लोगों को इसे अपने घर के अंदर रखना पसंद है। इस पौधे को ब्राइट लाइट तो पसंद है, पर डायरेक्ट सनलाइट से हमें इस पौधे को बचाना चाहिए। अगर इस पौधे को हम धूप में रखना चाहते हैं तो इसको हम किसी ग्रीन शीट से कवर कर दें ताकि ये ख़राब ना हो। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों पसंद नहीं हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कैसे लगे आपको ये सारे पौधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्लांट्स आपको अपने आसपास की लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इन प्लांट्स को मंगा सकते हैं। और अगर चाहें तो जो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये पौधे उन लोगों के पास जरूर होंगे, आप उनसे भी ये पौधे शेयर कर सकते हैं।